खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो मेरी ढेरों शुभकामनाएं भौमिक पटेल को उनकी इस गरबा एल्बम झूमते झूमते के लिए। बहुत बहुत अच्छा इन्होंने गाया है, बहुत बेहतरीन गाया है। अभी दिक्कत क्या है कि कोरोना के कारण उस लेवल पे गरबा हो नहीं पा रहा है, अदरवाइज मुझे लगता है ये बहुत बजरा होता अभी ये एल्बम। तो कोई बात नहीं, अगले साल खूब बजेगा गरबा, तो अगले साल भी गरबा होगा। और इसकी लॉन्चिंग हुई है, मेरी शुभकामनाएं हैं, ढेरों शुभकामनाएं हैं, जीवन में तरक्की पाएं और अच्छी अच्छी एल्बम बनाएं। भौमिक, आप कुछ कहना चाहोगे झूमते झूमते एल्बम? सबसे पहले तो ये टाइटल इज क्वाइट कैची, क्या सोच के लिए बनाया था? और जैसे कि अभी नवरात्रि ये कोरोना के कारण नहीं हो रही है, व्हाट आर योर टोटल प्लान एल्बम को लेकर? एक्चुअली फर्स्ट जब हम ये बनाने बैठे तब हमने सोचा था कि हम इसको गुजराती में बनाएंगे, क्योंकि गरबा होता है वो गुजराती होता है। फिर ऐसा दिमाग में आया कि जो गुजरात में हिंदी लोग भी जो रहते हैं, जो नहीं समझ पाते, तो उनको देखने के बाद, उनको सोचने के बाद हमने इसको एक हिंदी रोमांटिक सॉन्ग दिया, जो जैसे गरबा आज बाहर नहीं हो पा रहे तो घर में भी बैठ के अगर ये कोई सुनेगा तो मतलब ये प्रॉपर गरबा नहीं है, इट्स अ रोमांटिक गरबा सॉन्ग है। उसमें हमने ऐसी फील दी है उस गाने में, रोमांटिक गरबा सॉन्ग जो गरबा में बहुत बजेगा आगे। हाँ, और क्या उसने पूरा वर्ल्ड ध्यान में रखा? मैं थोड़ा वाइड रेंज देख के इसको बनाया है। अमित, वीडियो एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का वीडियो है ये और यू नो कहाँ पर शूट किया? हाँ, ये वीडियो जो है वो मेरे फार्म हाउस पे शूट हुआ है और सिंगल लोकेशन थी, उसको हमने लाइट से और मतलब लाइट से पूरा डेकोरेट करवाया था, गरबा ग्रुप था और स्टोरी लाइन के हिसाब से जैसे जैसे वर्ड्स है उस हिसाब से हमने इसको शूट किया है। आपने सिंगिंग में क्या मतलब क्या किया है अपने? मैं सीखे हो? हाँ, क्लासिकल मैं सीख रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ और सीखा भी हूँ। और मतलब मैंने अभी ये मेरा फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, इसके अलावा मैंने बहुत कवर सॉन्ग्स किए हैं, इसके बाद और भी काफी एल्बम सारे, और अभी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आने वाले हैं। तो भौमिक जी, मुंबई में राजू सर के ऑफिस में ही आपका हो रहा है इनॉग्रेशन, क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट मिला राजू जी? राजू अंकल से बहुत सपोर्ट मिला है हर चीज में और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं ना सब महाराज जी, इनका सपोर्ट है मेरे को, ताकि तुम्हें कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। आप कुछ बताइए भौमिक के बारे में, यू नो लिखाओ हमर टैलेंटेड ही एंड वी विल ऑलवेज प्रमोटिंग यंग टैलेंटर। क्योंकि मैं अभी जब से कोरोना के बाद गुजरात गया हूँ तो पता चला कि अहमदाबाद में भी काफी इस टाइप के लोग हैं, काफी बॉम्बे तक आना चाहते हैं बॉलीवुड तक। तो मैंने भौमिक को बताया कि कहाँ पर अच्छा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाते रहे, गुजराती भी लोग पसंद करें और हिंदी लोग भी। तो झूमते झूमते देखा जाए तो बहुत जगह पे चलने वाला सब्जेक्ट है गरबा आने वाले, और इस बार अगर इस नवरात्रि में नहीं चला तो आगे वाले बहुत हिट गाना है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल भी है। पंकज जी, हम गरबा की बात करते हैं तो एनी मेमोरीज आपके साथ होगी या कुछ फिल्म आपने कुछ किया या पर्सनली आप कितना पसंद करते हैं गरबा? मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार इवेंट्स में गया हूँ गरबा में, बहुत जगह पे गया हूँ। जब मैं बॉम्बे में नया नया आया था तो मतलब मुझे वो याद है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद है। मैं पीजी रहा करता था, पेइंग गेस्ट जूस की में रहा करता था जितेंद्र साहब के बंगलों के पास ही, वहाँ खादी गर्म उद्योग की 3 बिल्डिंग है, वहाँ से बहुत इंडस्ट्री में बहुत लोग निकले हैं, डायरेक्टर्स भी बहुत निकले वहाँ से।
तो वहाँ रहते उसके सामने ग्राउंड पे गरबा होता था। मैं पहली बार जब गरबा में गया तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब मैं नॉर्थ इंडिया को मुझे इतनी जानकारी थी नहीं कि ये लोग डंडे क्या बजाते जा रहे हैं तो मतलब घूमते जा रहे हैं डंडे बजाते जा रहे हैं। तो मैंने मेरा जो रूम पार्टनर था वो बोला चलो हम भी खेलेंगे। मैं कहा ठीक है खेलेंगे। तो मैंने भी कोशिश की तो वो डंडे मेरे हाथ पर मारते मुझे उस तरीके से नहीं चलाना आता था तो मेरे डंडे हाथों पर पड़ते रहे। तो मेरी वो मेमोरी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी है, वो याद मेरे आज तक मुझे याद है। लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे मतलब चीज़ें सीखता चला गया और बहुत इन्जॉय करता हूँ। मतलब इसका बिकॉज एक इस मुझे गरबा में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगती है, मुझे वो रिदम इतना अच्छा लगता है ना, वो रिदम बस वो रिदम बजता है और वो ऐसा लगता है आदमी झूम जाए। मम्मी आप ही की बात करते हैं इस एल्बम में, जैसे आपने कहा एक स्टोरी लाइन है और बात हम गरबा और डांडे की कर रहे, तो आप इसमें खेलते हैं, आप खुद कितने शौकीन हो, आप खुद कितना खेलते हो और हाउ मच? गरबा का मैं बहुत शौकीन हूँ पर मुझे गरबा आते नहीं है, पर किया है मैंने अच्छा इसमें, और सुनना बहुत पसंद करता हूँ, गाना भी बहुत पसंद करता हूँ, उसी को सोच के हमने ये बनाया था। और इसमें मतलब एक कहानी इस टाइप की दी हुई है कि एक लड़का जब गरबा खेलने फर्स्ट डे जाता है एक से लेके 9 दिन तक, तो आंखें से आंखें मिलती है, उसके बाद क्या क्या होता है, मतलब ये टू बी कंटिन्यूड प्रोजेक्ट है हमारा। वो 3-4 दिन की स्टोरी बता दी अभी, थोड़ा वो नेक्स्ट में बताएंगे। आदर्श मेरे किशोर कुमार है, उसके बाद अभी का मैं देखने जाऊँ तो अरिजीत सिंह है। कुछ गुनगुना लीजिए, झूठे झूठे का कुछ झूठे का ले लो। हाँ झूठे का हो जाने से लगेगा, वही 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 हाँ झूठे वाला अपने वाला। तुम्हें जब देखा तो दिल ने मेरे ये कहा, ये आंखें कहती तुम्हें देखूं मैं बार बार, तेरी नजरों में यूं खो गए हमें क्या हुआ, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें मेरे दिल की ये बात, झूमते झूमते झूमे आज सारी रात, थन नन थन के तेरी पायलिया, झूमते झूमते झूमे आज सारी रात, थन नन थन के तेरी पायलिया। ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment.